अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो जिसे कहना चाहिए कि एकदम उभरे। लीडर ऑफ़ द अपोजिशन शहबाज शरीफ जो हैं वो कराची गए हैं और वो मिले हैं आसफ अली जरदारी साहब से, और आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इस वक्त बीमार होने के बावजूद भी उनको दरवाज़े तक रिसीव करने आए और फिर रुख्सत भी करने आए। सिंबॉलिकली ये अहम चीज़ है। इसके ऊपर वो उनके जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा कि जनाब ये घसीटने गए थे वहाँ पे, एकदम जो है वो हकूमत के जितने भी यूट्यूबर हैं या हकूमती एंकर जो हैं, मुलाजम एंकर बेचारे, ठीक है, मुलाजमीन जो हैं वो सरगर्म हो गए। उन्होंने हाहाकार मचा दी कि आ देखो जनाब कल तक की कहते सब। तो अपोजिशन में ऐसे ही होता है, ख़ास तौर पे जब आप सरकारी अपोजिशन कर रहे हों तो ये तो करना बनता है। नवाज शरीफ साहब ने अपना जो आना है वो मशरूत कर दिया है, अगरचे हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट से उनका एक और भी जारी करवा लिया है, वो एलडी अलॉटमेंट केस के अंदर हैं, उनका जो है वो डिक्लेयर करा लिया जारी वारंट। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने देखा है कि इनके साथ गुफ्तगू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब के घर में, शहबाज शरीफ साहब के घर में नैब ने छापा मारा था और फिर नैब मतलब कि मिस्टीरियसली वापस आ गई थी, ठीक है, तो वो फिर पार्टी बताती है हमें कि सोर्स बताते हैं कि अंदर एक अहम मुलाकात जारी थी, दूसरी तरफ से कोई तीन हुक्काम थे और इधर से शहबाज शरीफ अकेले थे और उनको कहा जा रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब को मनाएं। उन्होंने कहा कि जी वो तो नहीं मानते, नवाज शरीफ साहब को इस बात पे मनाएं कि आप पंजाब में आ जाएं और वफाक जो है वो इमरान खान साहब के पास ही रहे और पंजाब में आके आप थोड़ा सा मामलात को बेहतर कर दें, उठा दें। नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर वीटो कर चुके थे और वो उन्होंने कहा कि नहीं तो फिर ठीक है, हमजा भी फिर अंदर ही है तो तुम भी अंदर जानते हो। तो उन्होंने फिर जाके बताया उनको कि देखें मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अब भाईजान नहीं मान रहे तो मैं क्या करूँ। तो भाईजान नहीं माने जी, भाईजान नहीं माने, भाईजान ने ना सिर्फ के माने नहीं है बल्कि आगे से डांट पड़ाई है कि ये तू की दे के बह जाना है रोज़ रोज़, ठीक। तो वो आपको पता है शहबाज शरीफ साहब बहुत अपने भाईजान का एहतराम भी करते हैं, उनसे डरते भी हैं, जिस तरह के इस उम्र में वैसे डरना नहीं चाहिए बंदे को अपने बुज़ुर्गों से, लेकिन वो डरते हैं बाकायदा। तो जब डांट पड़ी तो वो चुप करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि देखे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं मान रहे तो अब मैं क्या करूँ। अब उनको हुक्म दिया गया कि जाके वहाँ पे जो जरदारी साहब हैं उनके खदशात दूर करो, अगरचे जरदारी साहब की अपनी ज़ात के साथ भी बहुत सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। जिस तरह उन्होंने नारा लगाया कि जनाब बिल्ला जो है वो आ गया काबू में, उसको पकड़ लो, या हर दफ़ा दूध पक पी जाता है, फिर उन्होंने ईंट से ईंट बजाने वाला बयान दिया। तो नवाज शरीफ को फिर मुलाकात उनसे जो तयशुदा थी वो कैंसिल करनी पड़ी, कि करण डे खुदा दा खौफ कर हुकूमत में मैं बैठा हूँ और नारे तुम्हारी जा रहा, ठीक है। तो वो लेकिन नवाज शरीफ साहब के ये एहतियात भी उनके काम नहीं आएगी। फिर नवाज शरीफ साहब जो थे जब वो जीटी रोड के रास्ते लाहौर पहुँचे थे और यहाँ से उन्होंने जाना था फिर मुल्तान की तरफ सफ़र करना था, तो मिस्टीरियसली नहीं गए, लोग इंतज़ार करते रहे। वो शहबाज शरीफ ने उनको मशवरा दिया था कि जी वो रबते शबते हो गए, वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब भाईजान कहते हैं कि हर दफ़ा तुम जो कह के कहते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है चीज़ें, वो कहते हैं हम बेहतर कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं करते वो, ठीक है। और मुझे और बेटी को अंदर धकेल दिया गया, तुम नहर के ऊपर चक्कर लगाते रहे, ये सारे तो जरायम हैं ना जी शहबाज शरीफ साहब के। तो बहरहाल अब उन्होंने जो है वो लेकिन तरीकाकार उनका वही है, गुड कॉप बैड कॉप वाला। अब गुड कॉप का जो रोल है वो नवाज शरीफ साहब पहले प्ले किया करते थे, अब शहबाज अब वो इससे आ गया मरियम नवाज साहब के, वो गुड कॉप खेलेंगी, फ्रंट फुट पे जाके खेलेंगी, और फ्रंट फुट पे खेलने के बाद जो है वो अपने ज़्यादा जब फ्रंट फुट पे खेलेंगे तो कारकुन फिर आता है बाहर निकल के, तो कारकुन आया ना जी, और जिस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया और जिस तरह लाहौर में उन्होंने वट्टे खाए और जेलों में गए, तो पार्टी जो है वो चार्ज हुई, हैं रिवाइव हुई जिसे कहते हैं। तो इसी तरह उन्होंने पिंडी में भी यही किया, जाके अपने वालिद के ऐन नक्शे कदम पे चलते हुए रात मरी में गुजारी, उनके वालिद साहब को मरी बहुत पसंद है, बचपन से ही वो वहाँ पर जाया करते थे अपनी फैमिली समेत।
तो मरी बहुत पसंद है जी, तो बेटी ने भी जाके वहाँ पे रात गुजारी। और फिर वो 12 को के रास्ते जब पिंडी में एंटर हुई तो फिर एंट्री डाली ना जी उसने, ठीक है, हीरो वाली एंट्री। तो अब इस सूरत के अंदर अब जो असल में खबर है, वो खबर ये है कि और भी बहुत सारे लोगों ने दे दी है, मैंने कहा मैं भी दे दूँ। खबर ये है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब की तरफ से पहले यह खबर लीक की गई कि वो 15 सितंबर से 30 सितंबर तक किसी भी वक्त आ सकते हैं। तो हुकूमत ने भाग दौड़ करके तो उनके अरेस्ट वारंट जारी करवा लिए। वो क्या होता है जी, वो सरेंडर करें और ये करें। मैंने कहा अच्छा, अगर मैं अब जाता हूँ तो इसका मतलब तो ये होगा कि हुकूमत मुझे कान से पकड़ के ले जा रही है। तो नहीं जाते जी हम, ठीक है। अब उन्होंने अपने लोगों को दे दिया है नोटिस, जिसे कह रहे हैं तैयारी, फुल तैयारी, ठीक है। लैंड करूँ तो पता चले, ठीक हो गया, जाना मैंने जेल ही है, लेकिन तैयारी फुल फ्लाइट। और जब फुल फ्लाइट तैयारी के साथ आप लैंड करते हैं ना, और इतना ज़्यादा लोगों को शो ऑफ कर देते हैं, तो फिर जो लोग हैं वो, इमरान खान का फार्मूला तो याद है ना आपको, वो 20,000 लोग और फिर क्या हो जाता है वो वाला। तो वो जो है वो कहते हैं कि जनाब हम तो कई 20,000 इकट्ठे कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो उन्होंने फुल फ्लाई तैयारी का दे दिया है, पिंडी वालों को अलग, लाहौर वालों को अलग। मैं पिंडी की पीएमएलएन की बात कर रहा हूँ, कुछ और ना समझ लीजिएगा। पीएमएलएन वाले जो पिंडी वाले हैं, उनको कहा है कि जनाब आप अपनी तैयारी करें, ये अपनी तैयारी करें, वो बाद में फैसला करेंगे कि लैंड कहाँ पे करना है। और जो इस वक्त है वो तैयारियाँ ग्राउंड रूट के ऊपर शुरू हो गई हैं। हो सकता है कि अगले 6 से 8 हफ्तों में आपको कुछ गिरफ्तारियाँ भी नज़र आएँ। इन द मीन वाइल हुकूमत जो है वो, उसके यहाँ स्ट्रेटजी की, पॉलिसी की कमी नज़र आती है, वो अपने मामलात में उलझी हुई है। वो तो अपना पा फिरदौस आशा कवान जो थे ना, वो कहते थे कि सारे अपनी मंजी थले डांग फेर लो, सारे अपनी अपनी मंजी थले डांग फेर लो। तो अगला फिक्रा नहीं कहते थे कि आप नहीं फेरोगे तो कोई और फेर जाएगा। तो वो पाजी की बात समझ नहीं आई जी, तो कुछ लोग उन्हें फुफो कहते हैं, फुफो फिरदौस कहते हैं, कुछ मेरे जैसे जो बदजुबान है वो उनको पाजी फिरदौस आशिकवान कहते हैं। तो पाजी ने जब ये कहा कि अपनी अपनी मंजी तले डांग फेर लवो, तो अगलों ने उनको कहा कि अच्छा वो तो बाद में करेंगे, आप तो ज़रा बाहर होना। पाजी निकाल दिए गए वहाँ से। तो अब जनाब मंजी तले डांग नहीं फेरी थी, पाजी की बात नहीं मानी थी, तो फिर अहमद नूरानी साहब की मंजी तले डांग फेर गया। असल में अहमद नूरानी साहब ने जो शुद्धि छोड़ी है वो ये है कि ये तो इब्तदा है, मेरे पास तो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। अब बाकी जो हैं उनको अपनी पड़ गई है कि जनाब ये तो, मेरा मतलब है कि इसने तो ट्रैप कर लिया है, उस हनी ट्रैप के अंदर जिसमें जो था बाजवा साहब को बचना चाहिए था, तो बाजवा साहब उससे नहीं बच पाए। तो बाकी तो मेरा मतलब है कि 21 लाख का एक मरीज कोरोना का ट्रीट होया है, ठीक है ना। तो वो कोई तो, कोई ना कहीं तो बात निकलेगी ना जाके, तो ये थोड़ा सा। लेकिन ये जो वीकनेस शो की गई है ना, जो मैंने अपने गुज़िश्ता वीलाग में भी कहा था कि आप जब वीकनेस शो करते हैं तो फिर मुखालिफ जो हैं वो चढ़ आते हैं, तो इस वीकनेस के नतीजे के अंदर ख़ास तौर पे जो वो सिंपल ग्रेजुएट हैं, उससे ऊपर की डिग्री उनकी जाली है, वो लाहौर के जो डीजी साहब मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद साहब, मैं उनका जब चेहरा देखता था और उनके ऊपर जो तलखी और बिटरनेस होती थी ना, उसकी मुझे समझ नहीं आती थी। लेकिन कल मैंने उन्हें चलते हुए देखा तो मुझे समझ आ गई, वो थोड़ा सा लिंप करके चलते हैं। तो बंदे के चेहरे, जिस ज़िंदगी में कोई कमी हो तो वो बड़ा बिटर हो जाता है, फिर कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई कमी है तो वो इसी वजह से वो बिटर होते हैं उनके चेहरे को, आप ऐसा कर, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया जी कि असी मरियम ने दोबारा बुला के वट्टे खाने, ठीक है। तो इतनी क्यों बात थी आपकी, मेरा मतलब है आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी हैं, जो शरीफ आदमी आ जाए उसको पकड़ के बैठा लें और पता ही ना लगने दें, मीर शकील रहमान की तरह, ठीक है। और जो कहे कि आ फिर मैं तेनू बखाना में सबूत कितने ने, ठीक है। तो दो वट्टों की मार हैं आप, आपने तो मेजर साहब आपने तो अपना आप एक्सपोज कर दिया। कल को कोई भी उठ के 4 वट्टे लेके आ जाएगा तो आप कहेंगे कि जाओ हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, ठीक है। मेरा मतलब है ये बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट थी उनकी, और उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, इदारों के सरबराहों को, जिम्मेदारान को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। खैर ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है
कि वो उन्होंने असाइनमेंट दी और वो जायज़ा लेंगे कि वो तैयारी किस हद तक है, और अगर तैयारी प्रॉपर होती है और उन्हें ये यकीन होता है कि वो इसके लिए तैयार हैं तो वो आ जाएंगे, वरना वहाँ से डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो है वो तो बड़ी आसानी से लिया जा सकता है ना कि इनको अभी ज़रूरत है। वैसे इस वक्त भी जो है वो जो इतलात हैं डॉक्टर अदनान साहब की, जो उनके पर्सनल मॉलेज हैं, वो यही है कि वो उनकी सर्जरी की तैयारी जो है वो जारी है, उनको वो दवाइयाँ देना शुरू हो गई हैं, हो गए हैं, तो जनवरी तक यानी दिसंबर जनवरी तक हो सकता है कि वो अपना जो को इलाज है उसका प्रोसेस मुकम्मल करा ही लें और वो हो ही जाए, और फिर मियाँ साहब जो हैं वो नए जज्बे के साथ जो हैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हो जाएं। तो इस वक्त एक हलचल है, 20 सितंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, आपको खबर से ज़्यादा हुकूमत के जो एंकर हैं, मुलाजमीन एंकर, हाँ मुलाजम एंकर जो हैं वो बता चुके होंगे, और नहीं तो यूट्यूबर आपको बता चुके होंगे कि किस तरह जनाब इस APC से मुल्क व मिल्लत जो है उसकी तबाही का आगाज़ हुआ जाता है। इस दौरान एक और भी ख़तरनाक बात होगी, और वो बात क्या है कि वो जो डांग पकड़ी हुई है अहमद नूरानी ने, वो और भी कुछ मंजियों के नीचे फेरेगा, ठीक है। वो वहाँ पर एक रहायशी नहीं है जी, आप अपने यूट्यूबर को बताएं और उसको तो ज़रूर बताएं मैं जशूश था को, कि वो वहाँ पे अमेरिका में बेचारा कोर्स कर रहा है, ठीक है, और वो कोर्स करने गया हुआ, जैसे ही उसका कोर्स ख़त्म होगा उसने कहा मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा, वैसे मेरी ख्वाहिश है वो वापस ना आए लेकिन मैं वापस आऊँगा। तो वो कोर्स साल का होता है जी, मतलब वो जो मिलती है जी फेलोशिप मिलती है वो साल की होती है, और तकरीबन 10 माह के अंदर वो आपका मुकम्मल हो जाता है, 2-1 माह फिरने फिराने के लिए होते हैं। तो वो जिस मूड में है वो फिरने फिराने के मूड में नहीं है, वो बस वो मुकम्मल करेगा और अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करेगा और वापस आ जाएगा। अहमद रानी बहादुर आदमी है, ठीक है, वो जिन्नी मार उन्होंने पई सी मैनू पई होंगी तो मैं तो कभी यूट्यूब की कितने होर भी कोई आवाज़ नहीं कढ़नी सी, ठीक है। तो इतनी मार खा के भी अगर वो बंदा फिर भी अपने है तो इसका मतलब है कमिटेड आदमी है और उसे पता है कि सहाफत की क्या कॉस्ट है और वो कॉस्ट अदा करने को फिर तैयार है। तो खैर इस दौरान वो जो दूसरी चारपाई के नीचे डांग फिरेगी ना, वो फैसला करेगी कि मियाँ साहब का फैसला जो है वो क्या होगा, वो वीक करेगी जी मौजूदा सेटअप को, मौजूदा स्ट्रक्चर को, मौजूदा जो लोग इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं उनको मज़ीद वीक करेगी, और हुकूमत का कोई नहीं लगता मूड कि वो जो है हुकूमत किस तरह चल रही है। अगर आपने भारत की एक जो है वो गुलूकारा ढिंचिक पूजा उसका नाम है, ठीक है, अगर आपने वो देखी हो तो वो जिस तरह ढिंचिक पूजा गाना गाती है बेसुरा, और जिस तरह उसकी हमजोलियाँ जो हैं उससे ज़्यादा बेसुरे अंदाज में उसका साथ देती हैं, हुकूमत इस वक्त ढिंचिक पूजा के स्टाइल में चल रही है, ठीक है। वो दुनिया का बदतरीन गाने के अंदर तो टॉप रैंकिंग में आ सकता है, बेहतरीन गाने में नहीं आ सकता, लेकिन बदतरीन गाने में भी आए तो हिट्स तो उसे मिल जाते, लाइक्स तो मिल जाते और इनकम तो हो जाती है, हुकूमत को इनकम तो हो रही है, भले वो आटे से हो, चीनी से हो, गंदम के क्राइसिस से हो, जो है कोरोना वायरस के वो सामान जो बाहर से आया था डोनेशन में वो बेच के हो, किसी भी तरीके से हो, दवाइयों से हो, इनकम तो हो रही है ना, तो ढिंचिक पूजा को भी इनकम हो रही है और मौजूदा हुकूमत को भी इनकम हो रही है। देखने वालों पर क्या गुजरी है, गुजरती है, तो देखने वाले ना देखें, गद्दार जो है वो चले जाए भारत में, वो चले जाए अमेरिका में, ठीक है, जिसने नहीं देखना वो ढिंचिक पूजा का डांस ना देखे, अल्लाह को आसानियां अता करे और आसानियां खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।